नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा साइज का टॉर्च लाइट मेरे पास में रिपेयर होने के लिए आया है। ये जो बड़े टॉर्च होते हैं इनको किसान टॉर्च बोला जाता है, क्योंकि इस प्रकार के टॉर्च को ज़्यादातर किसान भाइयों ने ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो टॉर्च आप लोग देख रहे हैं ये रॉयल पावर कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है RP8120। और ये जो टॉर्च में प्रॉब्लम आ रहा है इसका बैटरी से प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि ये टॉर्च हमारा अच्छे से चार्ज होता है। ये इसका चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा गया है लिथियम बैटरी चार्जर, यानी कि इस टॉर्च में हमारा लिथियम बैटरी है। और यहाँ पर इसके ऊपर और भी सारे चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि इनपुट इसको चाहिए 100 से 240 वोल्ट, जो कि हमारा घर में आता है लगभग 220 वोल्ट, इससे ये हमारा चार्जर काम करता है। और आउटपुट में ये हमें 5.6 वोल्ट देता है और 900 मिली एम्पियर देता है, यानी कि लगभग 1 एम्पियर ये हमारा आउटपुट में देता है और ये हमारा लगभग 5.5 वोल्ट DC आउटपुट करता है। ये इसका यहाँ पर LED इंडिकेटर है और ये चार्जर का पिन है, जो कि ये टॉर्च का पीछे की साइड से कुछ इस प्रकार से लग जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ये चार्जर को हमें बोर्ड में लगाना पड़ता है, हमारा घर का जो बोर्ड होता है बिजली का, उसके बाद ही टॉर्च हमारा चार्ज होता है। लेकिन दोस्तों, जिसने इस टॉर्च को मुझे रिपेयर करने के लिए दिया है उसने बोला ये टॉर्च को उसने 5-6 घंटे अच्छे से चार्ज करता है, फिर भी ये टॉर्च अच्छे से नहीं जलता है ज़्यादा समय के लिए। इसका मतलब इसका जो बैटरी है वो अच्छे से बैकअप नहीं दे पा रहा है, इसका बैटरी ख़राब हो गया होगा या फिर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये अच्छे से बैकअप नहीं दे पा रहा है, तो इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका साइड में भी एक लाइट है और आगे में भी एक लाइट है, ऊपर में दो स्विच है। ये जो आगे वाला स्विच है ये हमारा आगे का लाइट के लिए है और ये जो पीछे वाला स्विच है ये हमारा इस साइड लाइट के लिए है। तो यहाँ पर मैंने आगे वाला स्विच ऑन करता हूं तो देखिए सबसे पहले लाइट तेजी से जलता है, उसके बाद ही हमारा धीमा पड़ जाता है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ही हमारा कुछ देर के बाद बंद भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा टॉर्च में बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी बैकअप सही से नहीं दे पा रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ पर LED को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो आगे का ये भाग होता है इसको कुछ इस प्रकार से खोलना होता है। ये सभी टॉर्च में इस प्रकार का ही होता है। तो ये देखिए, ये हमारा खुल चुका है और ये आगे का कांच होता है और ये हमारा LED और इसका रिफ्लेक्टर। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से यहाँ से निकालने के लिए इसके अंदर कुछ स्क्रू वगैरह होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बाहर में कोई भी स्क्रू नहीं है, ये टॉर्च को अच्छे से देखिए, इसका बाहर में कोई भी स्क्रू नहीं है, तो इसका अंदर में ही हमारा स्क्रू नज़र आ रहा है। तो इसका अंदर से ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है इसको हमें खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इनके अंदर में जो चार स्क्रू थे ये चारों स्क्रू को मैंने यहाँ पर ढीला कर लिया हूँ। तो चलिए अब मैंने इसको कुछ इस प्रकार से खोलता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल जाता है और यहाँ पर हमें इसको खोलना है, और भी खोलने के बाद इसका बैटरी नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए इसका बैटरी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो रस्सी जैसा लगा हुआ है इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने इसका रस्सी को निकाल लिया हूँ, वो हमें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रहा था। और इसके बाद यहाँ पर इसको कैसे खोलेंगे देखते हैं। यहाँ पर ये स्विच के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको निकालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा दो स्क्रू है, यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों स्क्रू को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्विच के साथ ये ऊपर का भाग लगा हुआ था इसको मैंने निकाल लिया हूँ। और इसके बाद ये जो पीछे का साइड में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लगा हुआ है इसको हमें निकालना है। इसको निकालने के बाद शायद ये पीछे की साइड से हमारा निकल जाएगा टॉर्च। तो ये देखिए, इसको निकालने के बाद यहाँ पर हमारा फिर चार स्क्रू दिखाई दे रहा है, इनको भी खोलना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने चार स्क्रू को निकाल लिया हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा खुल चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बैटरी है ये हमारा लिथियम आयन बैटरी नहीं है, ये शायद हमारा लीड एसिड बैटरी है। इसका जो ऊपर का क्लिप है यहाँ पर प्लस और माइनस में लगा हुआ है, ये दोनों क्लिप को मैंने सबसे पहले हटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बैटरी का प्लस और माइनस में जो क्लिप जैसे दो कनेक्टर लगे हुए थे इनको मैंने निकाल लिया हूँ और अभी हम बैटरी को आराम से निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बैटरी हमारा निकल चुका है और इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसका एक कोड नंबर जैसा लिखा हुआ है 082020 ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस लिखा हुआ है और कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा वजनदार यहाँ पर लग रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा लीड एसिड बैटरी है। लेकिन इसका जो चार्जर था इसके ऊपर लिखा हुआ है लिथियम बैटरी चार्जर,
तो हो सकता है यहाँ पर चार्जर की वजह से ये बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पा रहा होगा, और या फिर ये बैटरी ख़राब हो गया होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले ये बैटरी का वोल्टेज हम देखते हैं, इसमें कितना वोल्टेज है। तो देखिए ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हम यहाँ पर 20 वोल्ट डीसी में लगा देते हैं, और इसके बाद मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को हमारा बैटरी में लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3.59 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी में। तो इसको हम चार्ज करते हैं, लगभग 6 वोल्ट दे के इसको हम चार्ज करेंगे। दोस्तों इस बैटरी को मैंने 6 वोल्ट 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर से लगभग 1 घंटे के लिए चार्ज किया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर वोल्टेज को देखिए कितना वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4.22 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि ये बैटरी हमारा 4 वोल्ट का बैटरी है। और ये जो 4 वोल्ट का बैटरी होता है इसको चार्ज करने के लिए लगभग 5 या 5.5 वोल्ट चाहिए, यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है इस प्रकार का लीड एसिड बैटरी का, उससे लगभग 1 या 1.5 वोल्ट ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उसको चार्ज करने के लिए। इसीलिए हमारा ये जो चार्जर है ये हमारा 5.5 वोल्ट का चार्जर है। आप लोग देख सकते हैं 5.6 वोल्ट आउटपुट देता है डीसी वोल्टेज, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 5.5 वोल्ट ही ठीक है। लेकिन ये बैटरी का बैकअप जो है वो अच्छा खासा नहीं है, यहाँ पर मैंने इसको लगा के दिखाता हूँ ये बैकअप अच्छे से देता है या फिर नहीं देता है। ये पुराना बैटरी हो चुका है शायद, इस वजह से ये बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो चलिए मैंने बैटरी क्लिप को लगा लेता हूँ, और यहाँ पर इसका जो LED है इसको हम जला के दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से जल रहा है, पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं अच्छे से जलता है। ये देखिए काफ़ी ब्राइट से जल रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छे से जल। ये देखिए इसका लाइट कम हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही समय के लिए अच्छे से जला, उसके बाद इसका लाइट बहुत ही कम हो गया। तो यहाँ पर ये जो बैटरी है ये हमारा ख़राब हो चुका है। ये जो लीड एसिड बैटरी होते हैं इनका जो लाइफ होता है लगभग 1 या 1.5 साल होता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। अगर चल जाता है कोई बैटरी तो वो 2 या 3 साल चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा अगर चल जाएगा तो, नहीं तो ये बैटरी हमारा वही 1-2 साल के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें हमें एक नया बैटरी लगाना पड़ेगा। ये हमारा 4 वोल्ट का बैटरी है, ये तो हमने कंफर्म हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक 4 वोल्ट 4.5 एम्पीयर का बैटरी ले रहा हूँ, ये हमारा ईस्ट पावर कंपनी का है, और ये बैटरी को मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। कोई छोटे मोटे चीज़ हमारा 4 वोल्ट से या फिर 5 वोल्ट से चलता है तो उसको चेक करने के लिए इस बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका वोल्टेज को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा 3.97 वोल्टेज दिखा रहा है। ये बैटरी हमारा बिल्कुल सही है, बैटरी में कोई भी ख़राबी नहीं है। तो इसके साथ में मैंने ये कनेक्टर को लगाता हूँ, ये ब्लैक पिन जो होता है ये हमारा माइनस होता है, तो इसके साथ में ये ब्लैक कनेक्टर को लगा देते हैं, और ये जो रेड पिन होता है ये हमारा प्लस होता है, तो इसके साथ में प्लस वाला कनेक्टर को लगा लेते हैं। और इसके बाद में मैंने इसका स्विच को ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखिए रोशनी हमारा ठीक ठाक आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये बैटरी का बैकअप बिल्कुल बढ़िया है, ये रोशनी हमारा भी कम नहीं होगा क्योंकि ये बैटरी हमारा सही है। अगर रोशनी पहले तेज़ी से आता है उसके बाद ये कम हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो बैटरी है वो ख़राब हो चुका है, वो अच्छे से बैकअप नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से आपका LED बहुत ही धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से जल रहा है, और इसको हाई में जलाते हैं, ये देखिए और भी तेज़ी से जल रहा है। उसके बाद ये इसका ऐसा एक फीचर है, ऐसे ये बंद होगा जलेगा, बंद होगा जलेगा, और उसके बाद ये हमारा बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसका जो साइड का लाइट है इसको भी जला के दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर जल रहा है, यहाँ पर हाई और इसके बाद बंद। तो इस प्रकार से ये टॉर्च हमारा सही हो चुका है। तो इसको हमने जैसे खोले थे वैसे अभी इसको फिटिंग करना है। देखिए अभी मैंने टॉर्च को बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ, इसमें जो रस्सी पहले लगा हुआ था रस्सी को भी लगा दिया हूँ, और ये जो पुराना बैटरी है ये हमारा कोई भी काम में नहीं लगेगा, ये ख़राब हो चुका है, तो इसको साइड में रख देता हूँ। ये टॉर्च को फिर एक बार चला के आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोशनी ये हमारा दे रहा है, यहाँ पर लाइट वगैरह सब कुछ बढ़िया से जल रहा है, हमारा बैटरी भी यहाँ पर नया डाला हुआ है। तो अभी मैंने इसको इसका चार्जर से चार्ज करके दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये वही वाला चार्जर है। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड में चार्जर को सबसे पहले लगा देता हूँ, तो इस प्रकार से लगाने से ये जो चार्जर का LED है ये हमारा ग्रीन कलर में जलेगा, और ये पिन को टॉर्च में लगा देने के बाद ये LED हमारा रेड कलर में जलेगा, इसका मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। और जब ये LED हमारा फिर से ग्रीन कलर हो जाएगा उसका मतलब हमारा बैटरी फुल चार्ज हो चुका है, हम ये चार्जर को निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये किसान टॉर्च हमारा रिपेयर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।